सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टानं सगळ्या पक्षकारांना नोटीस पाठवली आहे आणि याबाबत उद्या सकाळी 10:30 पुन्हा सुनावणी होईल. आज झालेल्या युक्तिवादात शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या वतीनं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू आणि सिंघवी यांनी खिंड लढवली आहे, तर राज्य सरकारच्या वतीनं मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली आहे. यावेळी दोन्ही बाजूनं चांगलीच खडाजंगी झाली. सरकारच्या वतीनं बाजू मांडताना तुषार मेहता यांनी न्यायालयानं आदेश दिल्यास राज्यपालांनी जो निर्णय घेतला त्या संदर्भातील कागदपत्र सादर करू असं सांगितलं होतं. हमको 11:30 बजे रात को पिटीशन मिली है, हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कम से कम हमको समय दिया जाए कि हम इसका जवाब दे सकें. कोर्ट ने पूरे मामले पे उस पिटीशन पे इशू नोटिस करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की रिक्वेस्ट पे कल सुबह 10:30 बजे तक का समय दिया है. लेटर ऑफ सपोर्ट जो है जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने गवर्नर को दी है वो उसको प्रोड्यूस करना है कल 10:30 बजे. और साथ ही साथ जो गवर्नर ने जो डिसीजन जिस बेसिस पे लिया है या जो कम्युनिकेशन सेंटर गवर्नमेंट के साथ में हुई है वो सारी चीजें कल सुबह 10:30 बजे प्रोड्यूस करनी है. जो भी कहना होगा पिटिशनर साइड से भी वो भी अपनी बात कल तक सब रख सकते हैं. कल इसकी एक विस्तृत सुनवाई 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी.